आज मैं दिल्ली द्वारिका में आई हूँ। हमारी भतीजी का तिलक समारोह चल रहा है और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी आते हैं और साथ में लड़के वाले इस भव्य आयोजन का की तैयारी करते हैं। लड़की वाले को बुलाते हैं, उनको जो भी इच्छा होती है वो लड़के वाले को निवेदन करते हैं और सबसे पहले लड़की वाले को ही बुलाया जाता है ताकि उनके गेस्ट आए, उससे पहले वो लोग आ जाएं। और बहुत ही अच्छी तरीके से सजावट होती है। आपको देखने से ऐसा महसूस होता होगा जैसे यहाँ तो कोई या तो कोई शादी हो रही है या रिसेप्शन पार्टी हो रहा है, पर ना तो यहाँ शादी हो रही है ना रिसेप्शन हो रहा है, यहाँ तिलक समारोह होता है जिसे बहुत जगह लोग पक्की समारोह भी बोलते हैं। तो इसमें हम सब लोग इसमें शामिल होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही सब इसमें खासकर लड़की वाले के परिवार वाले ही आती हैं, वो अपने बाहरी गेस्ट को नहीं बुलाते हैं, पर लड़के वाले अपने बाहरी गेस्ट को भी बुलाते हैं और अच्छे से खाने पीने सबकी तैयारी करते हैं। तो मैं आपको उसकी छोटी सी एक झलक दिखाना चाहती हूँ, देखिए कैसे कैसे हमारे यहाँ पक्की समारोह किए जाते हैं। हाँ, लड़की पक्ष के पिता, उसके घर वाले और बहनें भनोई सब लोग इसमें शामिल होते हैं और उनको पहले ही बुला लिया जाता है। देखिए लड़के वाले ने कितनी अच्छी तैयारियाँ की है और सामने देख रहे हैं वो सामने स्टेज बनाए जिसपे वो पक्की का कार्यक्रम चलेगा, पर पहले खाना पीना और कितने लोग आएंगे, उनके गेस्ट भी पहले आ जाएंगे, उनके परिवार वाले सब आ जाएंगे, लड़की को केवल नहीं लाया जाता है। और बहुत ही अच्छा, बहुत काफ़ी दिनों के बाद ऐसे ऐसे समारोह में जब सब कोई एकत्रित होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, सबसे मिलना मिलाना होता है इसमें सब लोग। देखिए ये मेरी बहन, मेरी भाभी, मैं, सब लोग इसमें हैं। आप सब लोग हमें तो पहचान ही रहे होंगे, ये हमारी भाभी है और ये भतीजा भतीजी लोग हैं, मतलब भाई के बच्चे हैं, और मैं हूँ और मेरी सिस्टर है मेरे बगल में बैठी हुई। तो हम सब लोग इसमें शामिल हुए हैं, तो इसमें हमारे शामिल होने के लिए हमारी बेटी को भी बुलाया गया है, दामाद को भी बुलाया गया, पर हमारे दामाद तो अभी नहीं आ पाए हैं पर हमारी बेटी भी आई है। और ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं सोची एक बार आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, उसकी छोटी सी एक झलक दिखाऊँ, तो आप लोग देख सकते हैं कैसे हमारे यहाँ होता है। बहुत ही अच्छा लगता है, इसी बहाने सबसे मिला मिलाना भी हो जाता है। और देखिए कितना बढ़िया इन लोगों ने हर जगह वीडियो के अब जो ओरिजिनल ऑडियो उसको बंद करना पड़ा है क्योंकि यहाँ बहुत सा गाना बज रहा था, डांस वगैरह भी हो रहा था और मैंने डांस का क्लिप नहीं लिया क्योंकि वो बिना गाना अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही और एक बात और भी होता है इसमें, हमारे तरफ से जो भी देना लेना होता है सब यहीं हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सब लोग वहाँ बैठते हैं, भाई बहनोई, बहनोई मतलब उनके जीजे, सब लोग लड़की वाले और लड़का पक के भी जो उनके नज़दीकी रिश्तेदार होंगे वो सब लोग बैठते हैं और जो छोटा भाई होता है वो तिलक चढ़ाता है। तो देखिए यहाँ लड़का बैठा है, उसके जस्ट सामने लड़के का भाई, लड़की का भाई भी बैठा है। और हमारे यहाँ का नियम है कुछ भी होता है तो बिल्कुल सर के ऊपर और रुमाल को बांध दिया जाता है और वह सामने में पंडित जी सारे कार्यक्रम, और ये बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, ये मेरा भतीजा है, मेरी बेटी है, मेरे बहन की लड़की है, ये मेरे भाई की लड़की है, ये लोग सब खाने पीने में मग्न है और बहुत ही मस्ती कर रहे हैं। तो देखिए कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, सब बच्चे आपस में बहुत खुश हो रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं। तो ऐसे समारोह में आना हमें
बहुत ही अच्छा लगता है, इसी बहाने सबसे मिलना भी हो जाता है। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, आगे भी मैं हल्दी का रस्म अपडेट करूँ।